वैसे अगर आप RCB के फैंस हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वहीं अगर आप KKR के फैंस हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में फ़ायदा आप ही का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेन मुद्दे की बात। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में 36वां मुकाबला यानी आज 26 अप्रैल बुधवार को M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। RCB और KKR 16वें सीजन में दोबारा आमने सामने करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले KKR ने बाजी मारी थी, लेकिन अब की दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। वहीं नीतीश राणा एंड कंपनी अपने पिछले 4 मुकाबलों में हार कर आ रही है, RCB अपने पिछले 2 मैचों में जीत कर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो टीम के नियमित कप्तान फॉफ डुप्लेसी चोट के कारण केवल बल्लेबाजी करने ही मैदान पर उतर रहे हैं। हालांकि उनकी जगह टीम में पूर्व कप्तान विराट कोहली के हाथों कमान सौंपी है। विराट कोहली ने अपने पिछले मैचों में कप्तानी करते हुए पंजाब और राजस्थान के खिलाफ जीत हासिल की है। वहीं उम्मीद है कि KKR के खिलाफ भी विराट कोहली की विराट कप्तानी करते हुए नजर आ जाएंगे। कप्तान बनते ही विराट अपनी लय में वापसी कर चुके और पूरे मैदान पर आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। इसके अलावा उनके कप्तान बनने के बाद फैंस के बीच काफ़ी जोश दिख रहा है। कोलकाता नाइट राइडर की बात करें तो टीम ने अपने पिछले 4 मुकाबलों में लगातार हार झेली है। KKR ने 16वें सीजन का पहला मैच RCB और दूसरा मैच गुजरात के खिलाफ जीता है। इसके अलावा टीम को केवल हार का सामना ही करना पड़ा है। टीम ने पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के खिलाफ शिकस्त झेली है। हालांकि टीम ने लगातार 4 मैचों में हार का सामना किया। वहीं अगर टीम को प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो यहाँ सभी मुकाबलों में जीत अर्जित करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो एक नज़र यहाँ पे डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विराट कोहली, फॉफ डुप्लेसी, शाहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, वानिंदु हसरंगा, डेविड विली, विजय कुमार विशाख, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल। ये रहा आपका RCB का प्लेइंग 11। और वहीं अगर उसके विपरीत उसके विपक्षी टीम KKR की प्लेइंग 11 पर नज़र डाल दें तो यहाँ पे सबसे पहले एन जगदीशन, जैसन रॉय, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, डेविड विजय, कुलवंत खेजरोलिया, सुयश शर्मा, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती।